नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में शुक्रवार के जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 10 जून को कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले, जिनमें से झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश के कई जिलों और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। रांची में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। वहीं हावड़ा में आज एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है। यहां पुलिस पर भीड़ ने पत्थरबाजी की है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। बता दें कि हावड़ा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है और अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के उलबेरिया सब डिवीज़न हावड़ा के अधिकारी क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के हिस्से में और उसके आसपास धारा 144 CRPC 15 जून तक बढ़ा दी गई है। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर कल यहां हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा भड़काऊ टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को दिल्ली के जामा मस्जिद में कल के विरोध के मद्देनज़र पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया और IPC की धारा 188 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्वेता चौहान ने कहा है, प्रदर्शनकारियों की ही हो रही है पहचान, प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। वहीं इस मामले को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि मस्जिद की ओर से किसी भी तरह के प्रदर्शन की पहल नहीं की गई थी। मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं बुलाया गया था। हम नहीं जानते कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं। मुझे लगता है कि वो AIM के लोग, OVC के लोग हैं। हमने साफ कह दिया था कि वो लोग विरोध करना चाहते हैं तो करें, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।